শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়তে গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ ভক্ত বিন্দমশ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিত্তনন্দসহ শ্রী নন্দনন্দনঙ্গেচরণ

सदानुरक्तगुरुभोक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्षजगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहं तेथास्पदं शिवभिरुञ्चरण्यं भीतात्यहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणम् यदपल्लवन खमनी छटाया विस्फुजित गोदर्श पूर्णुराग र सागर सारूर्ति साराधि कामय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियातदाधर शिव सदी गौरभक्तंद श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्रि अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तबिन्दु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे आजान लम्बित भुजौ कनका बोदतो संकीर्तनय कवि तरु कमलाय ताक्षो वीसाम्बरो दिजवरो जगधर मुपालो बन्दे जगत प्रिय करो करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि निं भावानुरूपे न सदा नरानं गंगातरंग रमनीय जटा कलापम गौरी निरंतर अविबुशी तव भाग नारायणो प्रियमनंगमद उपहारम बारानसी पुरवति भजबी सनातन वागीजसुवदने लक्ष्मीजस्ससी ज्यास्ते हृदय संविदृंगमहजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम एत निवृत्तमानो नम इच्छताम भयम् जगिनां निपुर्णतम हरेर नामान कीर्तनम एतआ निवृत्तमानो नम भयम् जगिनां निपुर्णतम हरेर नामान कीर्तनम गोडी गोष्ठीपति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमंश जगत गुरु जी ने बताए नाम संकीर्तन का अंदर तमाम भजन का रहस्य छुपा हुआ है गौरी गोष्ठी भती शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वयं भगवान परमंश जगत गुरु जी ने बताए ये जो हरिनाम संकीर्तन है हरिनाम का अंदर भजन का तमाम रहस्य छुपा हुआ है हरिनाम को तुलना किया जाए एक बीच का साथ जिसका अंदर में समस्त पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल सब कुछ है वृक्ष का ऐसा ही भजन राज्यों का जो कुछ भी सिक्रेसी है जो कुछ भी है सब कुछ नाम का अंदर में छुपा हुआ है वो बात कहते थे निरंतर हरिनाम करते करते निरंतर भगवान नाम करते करते अंतर में कुछ परिचय गुप्तो सेवा का परिचय हृदय में आत्मोपकाश करती है निरंतर हम निरंतर हरिनाम करते करते जो सब अपना परिचय मिलता है गुप्त परिचय कुछ खबर मिलता है इन्फॉर्मेशन अपरा की जगत से कुछ मैसेज आता है तुम्हारा नित्य स्वरूप ये है तुम्हारा ये सेवा है ऐसा करके निरंतर हरिनाम करते करते जब साधक साधन करते करते निरंतर ये सब विषय का खबर इनको मिल मिलता है ये इसका गुप्त परिचय स्वरूप का कलिकल नाम संकीर्तन के अलावा और कुछ नहीं है कलिकल केवल नाम आधारा समर समर जीव उतर ही पा रहा केवल हरिनाम संकीर्तन करते करते कलिकाल में भवसागर पार हो के जाना संभव है मतलब यही नियम है इसके द्वारा ही होता है लेकिन इसका मतलब प्रभात कह रहे हैं ये मत समझो लेकिन इसका मतलब ये मत समझो जे दूसरा कोई युगों में सत्वयुग में तेता युग में दापर युग में हरिनाम चलेगा नहीं ऐसा मत वो बात कहते हैं कलिकाल सबसे डेंजरस काल है भयंकर उसी में अगर नाम संकीर्तन इफेक्टिव है तो दूसरा सत्य युग में तो होगा ही सत्य युग तो बहुत अच्छा बहुत सुंदर पवित्र युग है कृतयुग जन्म जन्म का साथ साथ लोग कित तो हो जाता जन्म का साथ साथ, साथ सत्य युग में सब कित कितार तो हो जाता शत्ययुग में हरिनाम संकीर्तन करने से होगा यद्यपि शत्ययुग में दूसरा कुछ साधन का बारे में बताया कृतियत धैर्तो विष्णु तेतायम जज मखोई मखई परिचर्याम कलऊ तद हरि कृतनाद शतयुग में ध्यान के द्वारा क्योंकि एक एक आदमी का उम्र आयु कम से कम एक लाख साल हुआ करता था एक लाख साल मात्र अतीता युग में वन टेंथ होके दस हजार साल परमायु और दापर युग में एक हज़ार साल अकाली काल में एक सौ साल फिर भी वो जीता नहीं एक सौ साल तो लिखा हुआ है बहुत मुश्किल से आदमी पचास साठ सत्तर यहाँ तक भी नहीं जा पाता इतना भयंकर ये काल दूषित काल है बस इसमें एक सुविधा है कि केवल नाम संकीर्तन के द्वारा हम पार हो के जा सकता है और कोई उतना भयंकर साधन का दरकार नहीं नाम संकीर्तन के द्वारा हो जाएगा बात कहते हैं इसका मतलब यह मत समझो कि सत्य युग में नाम संकीर्तन कुछ कामी कुछ काम का नहीं है ऐसा नहीं सत्य युग में भी नाम संकीर्तन हर युग में महाप्रभु जी ने बताए नियम काल समय कुछ नहीं नियमित स्मरणीय काला या, या तो सत्ययुग हो या तो तेता युग हो या तो दापर युग हो कोई फर्क नहीं पड़ता हर युगों में ए, हर युग में नाम संकीर्तन ऑलवेज इफेक्टिव जब भी एक एक युग में एक एक तारक ब्रह्म नाम एक एक युग में एक एक तारक ब्रह्म नाम एक एक युग में, में साधन का प्रक्रिया अलग सा अलग अलग बैठा हुआ है फिर भी नाम संकीर्तन इफेक्टिव फॉर ऑल द टाइम हर समय हर वक्त हर युगों में निरंतर इसका प्रभाव विद्यमान है और दूसरा युग में कोई नाम चलेगा ना ऐसा नहीं हर युग में नाम संकीर्तन इफेक्टिव है लेकिन विशेष करके कलिकाल में क्योंकि ये कलिकाल भयंकर भयंकर काल है इसमें कली हर वक़्त कलह हर वक़्त फाइटिंग एक दूसरे का लड़ते रहते हैं ये कली काल इतना भयंकर है एज अ एज ऑफ कंट्रोवर्सी हर वक़्त लड़ाई बातों बातों में लड़ाई छेड़ जाता है क्या करें तो फिर इस कली काल में जो व्यक्ति सिंसियर है जो व्यक्ति का बहुत सावधानी से करता है नाम से इसके लिए तो कोई खैर कोई लेकिन बाकी जो जिसका कोई ए, अकल नहीं है उसका लिए तो किसी भी युग में भी मस किसी भी युग में चाहे वो सत्य युग हो जुग जिसका कोई अकल नहीं है जिसका कोई सिंसियरिटी नहीं है लापरवाही है वो तो मरेगा ही मरेगा ये इसका लिए तो कुछ कि सोल्यूशन है ही नहीं समाधान है ही नहीं तो एनी anyway, वे वो मरेगा ही तो परीक्षित महाराज इसलिए कलिकाल को खत्म नहीं किया कलिकाल को ख़त्म नहीं किया क्यों कलिकाल में एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा ही आ, पार हो सकता एक अच्छा गुण है इसीलिए कली परीक्षित महाराज को कली जी कली को मारा नहीं इसीलिए मारा नहीं उसने लिखा है जे कलिकाल में कलो कलेर दोष निधे राजन कलेर दोष निधे राजन उस एक मान कि तनाद एव कृष्णस्व मुक्त संग परम भजे और परीक्षित महाराज सारंग ही व सारभुक परीक्षित महाराज का नाम है सारंग ही व सारभुग सारंग मतलब जैसे फूलों से फूलों से मधुकर मधु शायर लेके जाता है अतः सार वस्तु फूलों का फूलों में जहर भी रहता है लेकिन फूलों से मधु सार वस्तु लेके के संगो करके चले जाते परीक्षित महाराज को सारंग व सारभुग ऐसा तुलना किया गया भागवत जी महापुराण में इसके कारण भी है ये महाभागवत गर्भ मातृ गौरवों में रहते समय भगवान का दर्शन भी इसको मिला था हर हालत में ये परीक्षित महाराज पंच पांडवों का एकदम वास्तविक प्रतिनिधि बनकर जगत में विराजमान है।, है तो इसीलिए इसको परीक्षित महाराज ने सोचा कली का बहुत कली का बहुत सारे दोष हो भी सकता है लेकिन एक तो अनोखा गुण है जिस गुण के द्वारा इसके कई भी आदमी ओ पार हो सकता है और जो श्लोक दे के शुरुआत किया था उधर लिखा हुआ है निवृत्तमान चतामको वह जो निर्भीक हो के एत निवृत्तमान चतामकु जो निवृत्त मार्ग में जाके एकदम निर्भीक होकर निडर होकर रहना चाहता है एक तद निवृतमान इच्छ अकुतो भयम कोई किसी भी हालत से इसका कोई डर अगर नहीं होने का विचार है जब डर डर नहीं होने का विचार है एक तद निवृत्तमान मिच्छताम अकुत भयम तमाम शास्त्रों का निचोर है विचार करके देखा है जोगी नाम निपुण जोगी मतलब भक्ति योगी ज्ञान योगी ध्यान जोगी, जोगी, जोगी राजगुरुज कोई भी हो सकता लेकिन एकमात्र हरिनाम के द्वारा ही जोगी नाम निपुणतम जोगी नाम के द्वारा एक जोगी एक जनरल मीनिंग होता है ज्ञान योगी ध्यान योगी कुछ भी हो जाए हो सकता है लेकिन योगी नाम निपुण निपुण बोलने से यहाँ भक्ति योगों में बड़ा बड़ा महात्मा लोग जो हैं योगी है, नाम भक्ति योग योग मतलब भगवान का सब योग युग तो होके रहना और कुछ नहीं तो भक्ति योग सबसे इफेक्टिव है भक्ति योग सबसे इफेक्टिव है अनोखा है अनुभक्ति भक्ति जो खो के दूसरा कोई चिंता नहीं भी करना चाहिए करे तो करे लेकिन नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ये भक्ति जो सबसे इफेक्टिव है तो भक्ति योगों का बड़े बड़े महात्मा लोग जैसे बैसदेव जी सुखदेव जी आ, सारे जितना सारे हैं वो सारे के सारे ये विचार बताया कि नाम संकीर्तन के द्वारा सर्वार्थो अविलंबते सब कुछ मिल सकता है नाम संकीर्तन के द्वारा किसी का ऊपर डिपेंड करने का जरूरी है नहीं एक तद निवृत माननम मिक्षतामकुतुभयम निपो निर्णतम हरे, हरे नाम ये हरेर नाम अनुकीर्तनम या हरे नाम अनुकीर्तन बोलने से क्या होता है क्या माने बैठता है हरेर नाम अनुकीर्तनम मतलब अनु मतलब निरंतर हो सकता है अन इंटरप्टेड ये तो होनी चाहिए और अनु का मतलब अनुगत्व में अर्थात गुरु वैष्णव का अनुगत्व में इनसे आशीर्वाद लेके कृपा लेके दिखा के बाद भजन करते हुए इनके कृपा प्राप्त होने का बाद तभी जब इफेक्टिव हो सकता है नहीं तो कोई भी हरिणाम करे बाजार का आदमी है कर सकता है कोई बात नहीं ऐसा नहीं, नहीं। कर सकता है लेकिन ये हरिनाम का अंदर में उतना जान नहीं रहेगा कलिक हरिनाम के बारे में तो पहले ही बोला हुआ है सांकेतम परिहास्यम स्तोभम हेलोनमे बवा वैकुंठ नाम गणम अशे हरणम विदु ये तो है ये तो होगा ये तो होगा, ये तो होगा। लेकिन वास्तविक जो हरिनाम जिस हरिनाम का साथ हरी स्वयं रहता है हरी रहता है ना हरिनाम का साथ हरिनाम का साथ अगर हरी स्वयं रहता है विराजमान इसका नाम है वास्तविक नाम जो माधव बिंदुपुरी पात ईश्वरपुरी पात भक्ति मिनो चाकू सारे जो कहते थे काल हमने ये बताया था चर्चा करते हुए राधा रानी का नाम का व्याख्या किया था कैसे रानी का नाम पर गया ऐसे देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी लक्ष्म, लक्ष्मीमयी सर्वकांति ही सन्मोिनी परा ये सब चीज़ों का हमने व्याख्या की परदेवता श्रीमती राधिका देवी साक्षात कृष्णमयी कृष्णमयी शब्दों का भी व्याख्या किया कृष्णो जर अंतर और बाहर में हर वक्त कृष्ण विराजमान ये कृष्णमई और और भी एक माने बैठ सकता है, है? जो कृष्णो छोड़कर और कुछ या एक ही माने हैं कृष्णो छोड़कर कृष्णमई और हर जगह जो कृष्णो कृष्णो कृष्ण दिखता है ठीक है? है और देवता श्रीमती राधाराणी साक्षात कृष्णमयी सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति कृष्ण सन्मोहिनी और पराशक्ति बोल के विरा विराजमान पराशक्ति बोल के हमारा शास्त्र सिद्धांत में विवेचित होता है कृष्ण सन्मोहिनी मतलब कृष्णो अनंत ब्रह्मांडों का अनंत ब्रह्मांडों का एकमात्र आकर्षणीय वस्तु है कृष्ण कृष्ण इज द ओनली एट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट इन द इन्फिनिटी वर्ल्ड माया के कारण हम लोग आकर्षण अनुभव नहीं करते हैं लेकिन ये फैक्ट है ये सिद्धांत है कृष्णो इज द ओनली अट्रैक्ट अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट इन द इन्फिनेटी वर्ल्ड कृष्णो ऐसा है लेकिन फिर भी किष्णों को जो आकर्षित करती है किष्णों जो जगत का सबका आकर्षण करते हैं लेकिन कृष्णों को भी जो खींच के लाते हैं आकर्षित करती है इसका नाम कृष्णो सन्मोहिनी कृष्णों श्रीमती राधारानी का साथ दर्शन होने के बाद शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं सब कुछ और पराशक्ति तो है ही है पराशक्ति जिस श्रीमती परा पराशक्ति है अंतरंग इनमें से तमाम दुनिया का शक्ति आयु यहाँ तक कि अनंत कोटि विष्णु लोग जहाँ 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 जो कुछ भी देवी जहाँ जहाँ जो कुछ भी देवी तत्व है सारे देवी तत्व श्रीमती राजधानी से आई हुई है सब हमने कल बताया भी था अनंत कोटि विष्णु लोक को नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मुजा बिरंचि जा भरो ये इसका लिए इनके नाम पड़ गया ऐसा कोई बात नहीं कि श्वसन्मुही पराशक्ति इनमें से जितना सारे लक्ष्मी देवी है जितना सारे देवी दारिका का दारिका का पट्ट महिषी जितना सारे हैं सब श्रीमती राजधानी से आई यहाँ तक कि वृंदावन का अंदर में ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी हैं जो कुछ भी है सब रानी से राजधानी का एक्सपेंशन शरीर का प्रकाश इसका व्याख्या भी काल थोड़ा बहुत हो पाया दे हमने पाठ करके चलेंगे क्योंकि काल व्याख्या हो गया देवी को ही दो माना परम सुंदरी किंबा कृष्ण पूजा किरार बसती नगरी कृष्णमयी कृष्णमयी कृष्णय नाम है कृष्णमयी कृष्णोजार भितोरे बाहिरे अंतर बाहर में जिसका जहाँ जहाँ नेत्य परे तहाँ कृष्ण स्पुर इसका नाम कृष्णमयी किंबा प्रेम रसमय कृष्ण स्वरूप तार शक्ति तार है अथवा भगवान श्री कृष्णों का साथ अथवा अथवा भगवान श्री कृष्णों का साथ इनके जो पराशक्ति अंतरंग शक्ति नणडीवरण है शक्ति शक्ति मत्तुर अभेद इसी विचार से भी इनको कृष्णों में ही बुलाया जाता अर्थात कृष्णों का अंदर में जो सर्वशक्ति विराजमान है कृष्णों का अंदर में जो शक्ति विराज इंटरनल इंटरनल प्रोटेसिंग अंतरंग शक्ति तो कृष्णों का साथ इसका अभिन्न है जो कृष्ण है कृष्ण का शक्ति अभिन्न है इसी विचार का अनुसार इसका नाम कृष्णोमयी हो सकता कृष्णोमयी कृष्णोजार भेतोरे बाहिरे जहाँ जहां, जहां नेतृत्व पड़े तहा कृष्ण से ये भी एक माने हैं কিংবা আর দূসরে মানে হচ্ছে কিংবা প্রেম রসময় কৃষ্ণস্বরূপ তারি অর্থাৎ শ্রীমতি রাধারানী কৃষ্ণ কে অভিন্ন হয় শক্তি শক্তি মত অভেদ তার শক্তি তাররূপ এইভাবে মানে হোস আর কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তি রূপ করে আরাধন श्रीमती राधा रानी का जो आराधना है এই অনন্য आराधना অনন্য ब्रह्मांड মে अनंत तो समय की कालों में कभी ऐसा देखा नहीं गया ये आराधना कई कौन सी आराधना है कौन सी पहले इसका आराधना का एक राज है वो क्या राज है मां इसका आराधना क्या है ना हर वक़्त कृष्ण को कैसे परम आनंद में डुबा के रखेंगे भगवान को आनंद में डुबा के रखना है ये 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 इसका इसका आराधना इसका आराधना कृष्णवांछा पूर्ति रूप यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण परिपूर्ण वस्तु है कृष्ण का अंदर में कभी डिससेटिस्फेक्शन नहीं सकता नहीं रह सकता कैसे संभव है कृष्ण परिपूर्णतम तो वस्तु कृष्ण पूर्ण वस्तु पूर्ण वस्तु का अंदर में कोई डेफिसिट कोई डिसेटिस्फेक्शन नहीं रह नहीं सकता ही इज ऑलवेज सेचुरेटेड इट्स हर भगत फिर भी इनके अंदर में अपराकी तो कुछ कामना वासना रह सकती ये भी अपना लिए नहीं ये भी भक्तों के लिए भगवान का अंदर में कोई कामना वासना रहना संभव नहीं है फिर भी हमारा भगवान के भगवान का अंदर में अपराकृत कामना वासना रह सकता है ये अप्राकृत कामना वासना भी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान का जितना सारे अप्राकृत इच्छाएं हैं इच्छाएं होती है ये इच्छा को पूर्ण करना और कुछ नहीं इसीलिए पद्म पुराण में इसीलिए पद्म पुराण में लिखा हुआ है पद्मपुराण में लिखा हुआ है भगवान ने कह रहे हैं है? मद भक्त्यानम मद भक्त्यानम विनोदार्थम करोमी मी विविधा लीला मद्भक्त्यानम विनोदार्थम करोमी मी विविधा लीला मेरा कोई कोई कारण कुछ नहीं है मैं सिर्फ भक्त लोगों का बांछा कल्पतरु मैं बांछा पूर्ण करने के लिए अवतीर्ण के तरह तरह का लीला रचाते हैं इसमें मेरा भी आनंद होता है ऐसा कोई बात नहीं मेरा भी होता है लेकिन मेन है भक्त लोग ये जो रास लीला आदि भगवान ने किया हैं सब भक्तों को आनंद लेने के राधा रानी गोपियों का आनंद लेने के भगवान ऐसे आनंदमय भगवान ऐसे, आनंद ऐसे ही आनंदमय हर वक्त भगवान ऐसे ही हर वक्त आनंदमय अवस्था में विराजमान हर वक्त भगवान का अंदर में हर वक्त आनंद विराजमान है बाहर से आनंद लेने का कोई जरूरी है नहीं फिर भी एक बात है फिर भी एक बात है भगवान को बाहर से आनंद आनंद लेने का कोई ज़रूरत है नहीं भगवान स्वयं आत्मा राम है आप तो काम है भगवान आत्माराम काम है भगवान स्वयं संपूर्ण है भगवान का अंदर में भगवान का अंदर में भगवान का अंदर में कामना वासना रहना संभव नहीं है क्योंकि भगवान आत्मा राम है आप तो काम हैं ये पक्का बात है भगवान आत्मा राम है आप तो काम है तो भगवान का अंदर में कामना वासना कैसे रह सकता है ये तो बात ठीक है ये तो सवाल ठीक है लेकिन एक बात तो ये भी हो सकता है भगवान का कोई कामना वासना नहीं है लेकिन भगवान भक्तों लोगों को लिए भक्तों लोगों का वांछा पूर्ति करने के लिए कुछ अपराकृत कामना वासना को हृदय में लेके इन लोगों को आनंद देने के लिए अवतरण करे लीला करे इसमें तो कोई दोष नहीं है जैसे बच्चा लोगों ने जैसे मासूम जैसे मासूम बच्चा लोगों ने जैसे मासूम बच्चा लोगों ने आपस में खेलते हैं अब उसको पूछो क्या मिलेगा खेल रहा है तू बेकार में समय खराब कर रहे हैं वो सुनेगा क्या उसको पूछो नादान बच्चा जो है आपस में जो खेलते हैं उसको जो किस लिए खेलते हैं इसके तेरे इनाजी एनर्जी लॉस है कुछ पैसा वैसा तो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगी तो क्या सुनेगा क्या वो तो खेलेगा क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका एक इंटरेस्ट है मज़ा क्यों खेल रहा और खेलने के लिए खेल रहा क्यों इसका कोई उत्तर नहीं है आनंद मिलता है अब आनंद राजा महाराजा कभी बैठते हैं क्या पासा खेलते पासा पासा जानते हो हैं और फिर दाबा खेलते हैं वो राजा लोग भी करते हैं तो इसके नो no, युधिष्ठिर महाराज पंचो पांडवों के साथ जो गद्दारी किया गया उसका बारे में नहीं बोल रहा हूँ वो तो उसको तो गद्दारी किया हैं वो तो गद्दार है दुर्योधन दुर्योधन गद्दार है अभी खेल खेल में खे अभी खेल खेल में खेल हो तो कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें वो कुछ उसका नाम है बेट रखा बेट मतलब इसका पन जिसको बोलता है अगर तुम हार जाओगे ये करोगे ये ठीक नहीं है लेकिन बच्चा लोगों मासूम मासूम बच्चा लोगों का अंदर में जो खेलने का वास ये तो मासूम बच्चा है खेलते हैं खेलने के खेलते हैं उसका कोई कुछ मिलेगा क्या वो तो ऐसे हो सकता है भगवान को कुछ मिलेगी ऐसा कोई बात नहीं भगवान खेलते हैं ऐसा भी हो सकता है और एक बात जैसे भगवान आप 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 आपका ये कहने का हक है आपका ये कहने का हक है कि भगवान का अंतर में शक्ति है आपने काल बताया था लादिनी शक्ति आनंदित तो उसका अंदर में लादिनी शक्ति है आनंदित सब कुछ है तो फिर खेलने का भी क्या जरूरी ये अगर कोई प्रश्न करे इस बात का ये जवाब है जैसे वायुमंडल में जैसे वायुमंडल में वायु का कोई अभाव तो है नहीं चारों ओर वायु है वायुमंडल में चारों ओर तो भरपूर वायु है कहाँ जाओगे हर हर जगह वायु है वायुमंडल हर जगह वायुमंडल में हर जगह वायुमंडल में वायु है तो फिर ये वायु का कोई विशेष है नहीं लेकिन ये वायु यही वायु यही वायु यही वायु जो वायुमंडल में है ये वायु अगर अगर किसी ने वंशी ध्वनि का रूप में वायु को संचालित की वंक्शी में जितना छिद्र रहता है ना होल्स वंक्शी में इसका अंदर से एक ही वायु ये वायुमंडल का ही वायु ये मुँह में लेकर हूं करके अंदर में डाल दी तो ये वायुमंडल कई तो वायु है विशेष क्या है महाराज ये तो एक ही है एक ही तो है ही लेकिन जब यही वायुमंडल का वायु को विशेष रूप में किसी रंध वंशी का रंध से संचालित कर देते हैं कोई कोई बजाने वाले कोई तो बजाने वाला होगा तो ये बजा देता बड़ा आनंद लगता है वो कितना सुंदर अरे बाप रे बाप इतना आनंद मिलता है मत पूछो तो ये जो है एक ही वायुमंडल का वायु है तो इसमें विशेष क्या है विशेष तो जरूर है वायुमंडल का वायु एक ही है लेकिन जब बंशी का रंद से होकर निकलती है यही वायु वायु तो इसमें भी विशेष है आनंद रखता है तो ये यूँ समझ लो एक ही बात जब भगवान श्री कृष्ण का अंतर में सर्वशक्ति है ठीक है लेकिन मान मन सर्वशक्ति है लेकिन यह सर्वशक्ति किसी भक्तों का अंदर से निकल कर भगवान का भगवान का चरण में उसका प्रेम प्यार ज्ञापन करने के लिए सेवा करने का दिखाता है तो उसमें और अच्छा है एक ही है तो एक ही है तो एक ही इसमें कोई अलग नहीं है एक ही है लेकिन फिर भी जब भगवान का चरण भगवान का आ, भक्तों का अंदर से यही स्वरूप शक्ति घूम के आती है तब तो, तो मज़ा लगता है भगवान से कृष्ण का इसमें क्या है क्या दोष है बताओ ए जैसे बच्चा मैया का कोक में है कोक में है, अंदर में है अभी बच्चा हुई नहीं बियाने वाली है लेकिन उस समय मैया का अंदर में आनंद होती है हैं मेरा प्यारा प्यारा बच्चा हैं गुड़िया आएगा हैं ठीक है आएगा तो आएगा आएगी तो आएगी है? लेकिन अभी तो नहीं है कुछ अभी तो मैया का कोक में ही है इसमें भी आनंद होती है अफेक्शन होती है लेकिन यही बच्चा जो कोक का अंदर में अभी निकल कर आए जब आएगा आके जब मैया का गोदी में बैठे बैठेगा और स्तनपान करे तो उसका मैया का आनंद अलग है और ज़्यादा आनंद है यही बात है और कुछ नहीं है तो कृष्णों का शक्ति कृष्णों का साथ एक है अलग सा नहीं है शक्ति शक्ति अवेद। अभेद बांछा पूर्ति करना ही कृष्णों का बांछा क्या क्या अपराकृत बांछा कृष्णों का अपराकृत बांछा का पूरण करने का ताकत रखती है राधा रण कृष्ण बांछा पूर्ति रूप करे आराधने आरोजे स्वरूप श्लोक भागवत जी दिया गया है अनया राधितो नुनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यम अनयद रह ये जो बताया इसमें भी माने क्या बैठता बताओ अनया है अनो अनाया अनया अनया मतलब स्त्रीलिंगो फेमिन इंजन अनया आरितो अतः इनके द्वारा ऐसा आराधित हुआ है हैं ऐसा पूजित हुआ है इतना इस सेवित हुआ है किष्णों अनया राधित नूनम भगवान हरिरश्वर भगवान कृष्णो इतना सेवा लिया है इतना आनंद से भरपूर अनोखा सेवा अनपैरल अनबिटन एब्सिल्यूट सेवा इसलिए यही श्रीमती राधारानी को लेकर रासस्थली से जब राधारानी अंतर्धन हुई कृष्णो हा राधे हा राधे हा राधे करते करते पूरा दुनिया छानबीन करती क्योंकि बिना राधे रासस्थली का कोई कीमत नहीं है क्योंकि श्रीमती राधारानी इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ होल रासली सेंटर पॉइंट श्रीमती राधा रानी नहीं है तो कृष्ण भी नहीं है कृष्ण नहीं है तो श्रीमती राधा रानी क्या किया जाए बताओ तो ऐसा ही है ऐसा ही है श्रीमती राधा रानी इतना सिवे की सेवा की है जो मत पूछो <clears throat> कृष्ण बांछा भगवान श्री कृष्ण का जो अपरा तो काम अपराकी भांछा है ये बांछा का परिपूर्ण करने का मालकिन श्रीमती राधा इसीलिए इसका नाम राधिका राधिका नाम क्या क्या आराधिका ओ को ओमिट किया गया आराधिका ये आराधिका बा आराधिका जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ सेवा हुई है कृष्ण बांछा पूर्ति रूप करे आराधन कृष्ण बांछा पूर्ति रूप आराधन श्रीमती राधानी का जिंदगी में श्रीमती राधानी का लीला में और कुछ नहीं बचा है बस एक ही कुछ नहीं बचा बचा खुचा कुछ नहीं है एक ही है ये कैसे कृष्ण का जो बांछा है इसको पूर्ति करें अब आ, आप पूछोगे राधा रानी को कैसे पता कृष्ण का क्या बांछा है ये ये जो क्वेश्चन है ये फूलिश एक क्वेश्चन का कोई कीमत क्योंकि पहले बता दिया श्रीमती राधा रानी आर गोविंद एक ही है अलग नहीं है स भागवत जी महापुराण का स्कंद पुराण का जो ग्लोरिफिकेशन है भागवत जी महापुराण का स्कंद पुराण का उसमें लिखा हुआ सौ ए वो अतः जो कृष्ण है वही राधा राधाणी वो जो राधा राजी वही कृष्ण है शक्ति शक्ति मतर अवैध तो कृष्णों का अंदर में कामना वासना क्या है कैसे राजी समझेगी ये क्वेश्चन एब्जैक्ट क्वेश्चन भगवान श्री कृष्ण को अपरा की इच्छा है बांछा ये राधा रानी को पता जरूर चले क्योंकि अंदर का ये है ना शक्ति शक्ति मतलब कृष्ण बांछा पूर्ति रूप करे आराधन यही इसका सेवा है आराधना अतएव तो इसीलिए इसका नाम राधिका पड़ गया आराधिका आराधिका राधिका ठीक है अतएव लिखा है कृष्णवांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने व्याख्यान हो गया अब भागवत जी महाप्राण से सपोर्टिंग श्लोक दे रहे हैं अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यनो विहाय गोविंद प्रीतु यम आनयत रहा इसका व्याख्या हो गया हमने किया अतएव तो सर्व श्रीमती राधारानी भगवान श्री कृष्ण का भी थी पूजा ठीक है श्रीमती राधारानी यहां तक कि श्रीमती राधारानी भगवान श्री कृष्ण का भी पूजा है और क्या कहे और तो और भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा है और दूसरा तो करेगा ही ये तो करेगा स्वयं भगवान जो जिनका चरण कमल मस्तक में लगाना चाहते गीत गोविंद में सरोगनम मम शिव से मंडलम देई पद पल्लभ उदारम आपका चरण कमल मेरा माथे पे दा दो हैं जलती अति दारुण हैं बहुत सुंदर विचार है बहुत सुंदर ये विचार है इसका अंदर में अब ठीक है अब देखो लिखा हुआ है ऐसा गीत गोविंदो का अंदर में गीत गोविंद का अंदर में इसका विचार आता है गीत गोविंद में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधाराणी को प्रार्थना करते हैं एक काम करो आप हमको कृपा करो गोविंद राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं अब सरगर मंडलम मम मंडलम दही पद पल्लभ मारु हे राधे दल दारुण मदन कदना ऐसा करके श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का गुरु है चैतन्य चौथा में भी ये जो पाठ कर रहा हूं इसमें भी ये प्रणाम प्र, प्रमाण आगे मिलेगी आगे चैतन्य चौथा में लिखा है खुलासा किया गया ये जो श्रीमती राधाणी है राधिकार कृष्णो कह कृष्णो स्वयं कर रहे ये किष्णु स्वयं कह रहा राधिकार प्रेम गुरु आमि शिष्य नॉट राधिकार प्रेम गुरु आमि शिष्य नट जखन नटाय जो नाचाय नाचिए ना उद्भट ये तो उसमें ही लिखा हुआ है राधिकार प्रेम गुरु आमि शिष्य नट राधिका का प्रेम गुरु मैं शिष्य नट हूँ राधिकार प्रेम गुरु हमें शिष्य नन जखन जई छे उद्भव ऐसा नियम है तब क्या कहोगे तो कृष्ण पूर्ति रूप करे आराधने अतय राधिका आराधिका राधिका नम पुराणे में ठीक है आराधी नू न भगवान हरिश्वर जन्म विह गोविंद आनयत रहो अतवैब अनंत ब्रह्मांडों का पूजा से मतरा आधार में सर्वपूज्या परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता माता बोलने से कृष्णरा कुबिराज गोस्वामी जो बोला है इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण को पिता राधा ने गो माता है। ऐसा नहीं है विचार करके देखें तो ये ठीक ही है लेकिन अगर रसोसत्व का अंदर में प्रविष्ट होना चाहते हो तो राधा गोविंद का अपराकित विलास में तो ये खिलाफ़ है ना पिता माता का पिता माता का अपराकित विलास संतान लड़का लड़की को देखने का कोई अधिकार नहीं है तो ये इट इज़ अ फैक्ट अनंत ब्रह्मांड का माता अगर है तो श्रीमती राह फिर भी हम लोग माता नहीं कहेंगे देवी कहेंगे सर्व पूज्या परम देवता पालिका, सर्व जगतेर माता तमाम जगत का माता है सर्वलोक्ष सर्वलक्ष्मी ये जो सर्वलक्ष्मी ये शब्दों का क्या माने सर्वलक्ष्मी का मतलब है तमाम लक्ष्मी जिस सोर से आई हुई है सर्वलक्ष्मी अथवा श्रीमती राधानी का अंदर में तमाम दुनिया का देवी तमाम सर्वलक्ष्मी अनंत कोटि विष्णु लोक सब इनके अंदर में विराज सर्वलक्ष्मी सर्वलक्ष्मी ये शब्दों सर्वलक्ष्मी लक्ष्मी ये शब्दों के ये मान है तमाम लक्ष्मी देवी इनके चरण कमल से आई हुई है और इनके अंदर में तमाम लक्ष्मी जैसे कृष्णों का अंदर में जैसे यूं समझो जैसे कृष्ण का अंदर में जैसे तमाम अवतारों का अवस्थान है जैसे भगवान श्री कृष्णो पूर्ण अवतारी इनके अंदर में तमाम अवतारों का अवस्थान है ऐसे ही समझो सर्वोलक्ष्मी शब्दों के द्वारा यही माने होता है सर्वलक्ष्मी शब्दों के द्वारा यही माने सर्वलक्ष्मी शब्द पहले व्याख्या किया कृष्णदास को, को कह रहे हैं सर्वलक्ष्मी गणेर त्रियोहन अधिष्ठान यही एक ही बात तमाम लक्ष्मियों का अधिष्ठान यही है किंबा सर्वलक्ष्मी कृष्ण सर्वविदो ईश्वर जो अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अंतर में जो श्री है, है? भगवान श्री कृष्ण का अंदर में सर्विद ऐश्वर्य जो है भगवान श्री कृष्ण का अंदर में जो सर्वविद ऐश्वर्य है हैं? सर्वलक्ष्मी ये जो सर्वलक्ष्मी का माने किम्बा सर्वलक्ष्मी ये शब्दों के द्वारा कृष्णों का शर्णविद ऐश्वर्य का भी पता चलता है इनके अधिष्ठत्व शक्ति কৃষ্ণকা আন্দারমে ঐশ্বর্যস্ব সমগ্রস্ব বীরজস্ব যশ্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্যশৈব স্বর ইতি ভগ ইঙ্গনা এই হ্যাঁ এনেকে কৃষ্ণকা আন্দার্মে সর্ববিধ ঐশ্বর্য পরিপূর্ণরূপে স্বরৈশ্বর্যপূর্ণ এনেকে অধিষ্টাত্মে শক্তি আধারণীয় সর্বশক্তি বর্জ আর সর্বসৌন্দর্য কান্তি वैष्य जहाते सर्व सौंदर्य ऐसा सौंदर्य कभी नहीं मिलेगा एक्सट्रीम पॉइंट सर्व सौंदर्य कांति वैसे जहाते कांति माने तेज भी हो सकता है इफार्जेंस अंगों का वर्ण सर्व सौंदर्य कांति वैष्य जहाते जिनका अंदर में सर्वकांति सब कुछ बैठा हु, बैठी हुई है किसने सकल बांछा राधाते ही रहे कृष्ण का जितना बांछा है सब श्रीमती राधारणी छोड़ के कुछ नहीं है सर्व सौंदर्य कांति बैसे जाति, जिसका अंदर में सर्व सौंदर्य कांति जिसका अंदर में विराजमान है सर्व सौंदर्य का वैषय जहाते सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा होय जहाँ होते तमाम लक्ष्मी गणों का सौंदर्य तेज प्रकाश सब कुछ अगर तुलना किया जाए एक साथ इकट्ठा कर दो तो फिर हजारणी का साथ सर्व सौंदर्य कांति वैषय जहाते सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा होय जहाँ होते किब्बा कांति शब्द में कांति शब्द कृष्णर सब इच्छा कहे कृष्ण सकल वाछा राधाते ही शब्द के द्वारा कृष्ण का तरह तरह का इच्छा मीनिंग हो सकता है कृष्ण सकल वाच्छा राधाते ही रहे राधिका करें कृष्णर बांचित तो पूरण সীমিতের আধারণে কৃষ্ণ ক বাঞ্ছাপূর্তির আরাধন পাইলেই বোলা সর্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ জগৎ মোহন কৃষ্ণ জগন্নাথ কৃষ্ণ জগনমোহন পুরো জগৎ কো মোহিত কর সকতা এতনা সৌন্দর্য জগৎ মোহন কৃষ্ণ কৃষ্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কাজমাত্র অ্যাট্র্যাক্টিভ অব্জেক্ট অ্যাবসেলুট অবজেক্ট অব অ্যাট্রাকশন তো এইয জগমোহন কৃষ্ণ তার মোহিনী অতএব সমস্ত পরা ঠাকুরাণী সীমতী রাধানী ইজ দ্য টপ মোস্ট অব অল রাধাপূর্ণ শক্তি কৃষ্ণপূর্ণ শক্তিমান রাধাপূর্ণ শক্তি जो प्रोपात जी ने बताया कृष्ण इज अ प्रीडोमिनेटिंग एब्सोल्यूट श्रीमती राधाराणी इज प्रिडोमिनेटेड एब्सल्यूट राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं प्रमाण दोनों एक ही है ये दोनों एक ही है इसमें कोई भेद नहीं है राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान ये दो अलग नहीं है एक ही है राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान वस्तु भेद नहीं कृष्ण परमान तमाम शास्त्रों का विचार का अनुसार यही निकालता है कि श्रीमती राधारानी पूर्ण शक्ति और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई भेद नहीं शास्त्रो परमान जैसे मिगो मधो आता जोई अविच्छेद मिगमदो हर हिरण का ये नाभी पोर्शन से जो मिगमदो निकालता है ना इसके साथ इसका गंध इनसफरेबल एक ही है मिगो मदो तारगंध तो जोई छे विच्छेद अविच्छेद मिगमदो और इनके गंध मिगमदो आ इनसे जो श्वास निकलते हैं गंध मिगमदो तार गंधो जो इविच्छेद उग्नि ज्वाल उग्नि ज्वालाते जो इकुनाई भेद ओग्नि और इसके जो ताप है ज्वाला ओग्नि ज्वालाते जो इीछे कभुनाई भेद एक ही है राधा कृष्ण ओ सदा एक ही स्वरूप राधा और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप है दोनों अलग से दिखता है लेकिन एक स्वरूप राधा कृष्णो राधा कृष्ण जो इच्छे सदा एक ही रूप एक ही स्वरूप राधा कृष्णो राधा कृष्ण ओे सदा एक ही स्वरूप राधा कृष्ण अलग स्वरूप नहीं है राधा कृष्ण ओछे सदा एक ही स्वरूप लीला रस आसादित धरिद्री लीला रस को लीला रस को आसादन करने के लिए दो रूप लिया है लेकिन एक ही है प्रेम भक्ति सिखाई थे अपने अवतरी क्या बताया जगत में प्रेम भक्ति का खबर नहीं था सब विधि मार्ग में भजन करते भगवान को ये चाहिए वो चाहिए विधि मार्ग में कृष्ण प्रेम पाई तो नहीं सकती भगवान ने सोच विचार किया ये ब्रजोप्रेम का ये ब्रजोप्रेम का बारे में लोगों को कोई जानकारी है नहीं मैं एक काम करूं इसको जनाने के लिए जगत में प्रेम भक्ति सिखाई थे आपनी अवतारी प्रेम भक्ति कैसा होती है सिखाने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण हुए प्रेम भक्ति सिखाई थे अवतारी अवतरी राधा भाव कांति अंगीकार करी राधा भाव राधा भाव और कांति श्रीमती राधाराणी का भाव और कांति दोनों को चुराकर चुरा लिया कृष्ण রাধাভাব ক্রান্তি দুই অঙ্গীকার করি প্রেমভক্তি শিকাইতে আপনে অবতরী রাধাভাব ক্রান্তি দুই অঙ্গীকার করি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে কইলে অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকার রূপ রূপমে অবতীর্ণ হয় এই তো পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরে যান ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস सस्तो छ नंबर जो प्रधान श्लोक है सस्तो पंचम श्लोक ये अर्थो व्याख्या किया श्लोक का अर्थो प्रकाश करने के लिए पहले कुछ इंट्रोडक्टरी थिंग बोलना चाहता हूं सस्तो श्लोक का अर्थो प्रकाश करने के लिए सस्तों सस्तो श्लोक का अर्थो श्लोक का अर्थो प्रकाश करने का अर्थो प्रकाश करने के लिए पहले श्लोक का आभास इंट्रोडक्शन क्या है ये बताना चाहूँगा कृष्णदास को विराज गोस्वामी कह रहे हैं षष्ठों श्लोकेर अर्थों तो को प्रकाश पोथों में कोहिये सही श्लोके आभास अवतोरी प्रभु प्रचाल संकीर्तन एवे बाह्य हेतु पूर्वे भगवान अवतीर्ण होके भगवान अवतीर्ण हो के नाम संकीर्तन का प्रचार किए हैं ये भी अंतरंगा नहीं है एक्सटर्नल बाह्य हेतु अवतरी भगवान अवतीर्ण होके नाम संकीर्तन ये विचार किया ये भी एक्सटर्नल रीजन है ये हो बाह्य हेतु पूर्वे कोरिया ये बाहर का एक्सटर्नल हेतु है बाह्यो भाई, कारण है ये पहले ही हमने बताया अवतारे आर एक अच्छे मुख्य बीज ये अवतार का गुप्त तो एक रहस्य है अवतारेर आर एक अच्छे मुख्य बीज ये अवतरण का भगवान किस लिए आयु हैं इसका एक गुप्त कारण है ये सबको कोई को जानकारी है नहीं जुगो धर्म नाम संकीर्तन प्रचार के लिए भगवान ये तो है ही है कलिकारे रे जुगो धर्म नाम संकीर्तन ए तदर्थ अवतीर्ण गौरा भगवान स्वयं ये तो है ही है। लेकिन अवतार का एक सीक्रेट रीजन है अवतार का एक मुख्य बीज है रोशिक शेखर कृष्ण रही कार जो निजो, रोशिक शेखर कृष्णों का स्वयं है ये हमने बताया था याद है पहले बहुत हमने बताया था ये सब बारे में हमने बताया था ये सब कारण पहला दिन बताया था राधा कृष्ण प्रणय विकृति लाधनी शक्ति रस्माद एकात्मनु अपी देह गतो तो हैं देवदम गतो तो चैतन्याक्षम प्रकट मधुना द्वयं चैकमाप्तम राधा भाव भाव दूती सबलितम कृष्ण नवमी कृष्ण सरो आसी

जे अवतरी कृष्ण नाम संकीर्तन में ये तो एक्सटर्नल रीजन है अवतारे आर एक आचे मुख्य बीज ये अवतरण का और एक सिक्रेट रीजन है रसिक शेखर कृष्ण का ये जो काम है ये अपना पर्सनल है फिर जो करजो नहीं जो अति गुड़ो हेतु ये बड़ा सिक्रेट है किसी को पता नहीं एक बात तो परम भक्त जो है परम भगवान के जो भक्त हैं ये तत्व का भजन करते ये लोग को पता चलता है इसलिए हर कोई को ये पता नहीं एकमात्रो ये बड़ा गुप्त चीज है ओती गुड़ो हेतु यही त्रिविदो पुकार ये ये जो सिक्रेट कारण है जिसके लिए भगवान आए हुए हैं वो अपना ही कारण है निजो कार्य ये लेकिन बहुत सिक्रेट है दामोदर स्वरूप भगवान का जो अपना आदमी है स्वरूप दामोदर स्वरूप दामोदर से ये पता चलता है दामोदर स्वरूप से इनके प्रचार हुआ है दा, प्रचार मतलब दामोदर स्वरूप से हम लोग को जानकारी मिला है দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার সরূপ গোসাই প্রভুর অতিরঙ্গ অন্তরঙ্গ স্বরূপ ভগবান কা একা ঐকান্তিক অন্তরঙ্গ ভক্ত সরূপ গোসাই স্বরূপ গোসাই প্রভুর অতু অন্তরঙ্গ তাহাতে জানেন প্রভুর এই সব প্রসঙ্গ ইসিলিয়ে প্রভু কা गुप्त तो जो रहस्य है जो कारण है ये इसको जानकारी है बाकी किसी को जानकारी नहीं है ओतिगुड़ो हेतु बड़ा गुप्त गुप्त तो उद्देश्य है ओतिगूढ़ हेतु से तीन प्रकार का दामोदर स्वरूप से हम लोग को जानकारी मिला है दामोदर स्वरूप से हम लोग को ये जानकारी मिला है सौर गोसाई प्रभुर अति अंतरंग स्वर्ग गोसाई प्रभु का एकदम अंतरंग है इसलिए प्रभु का अंतर का भाव कुछ भी स्वर्ग गोसाई का पता चलता है ये सर्वगोसाई गंभीरा मंदिर का अंदर में यही सर्वगोसाई गंभीरा मंदिर का अंदर में महाप्रभु का जो अंतिम बारह साल पूरा निरवच्छिन्न प्रेम विकार प्रकाश की महाप्रभु जी ने गंभीरा का प्रकष्ट में कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे कभी रोए कभी गिर जाए बड़ा अनोखा प्रेम की विकार है और इस समय सौरभ गोसाई विशेष करके सब सौरभ गोसाई और राय रमानंदो दोनों मिलकर महाप्रभु का भाप का पोषण किया मैंने जब जब महाप्रभु का जब महाप्रभु का अंदर में जिस भाव का प्रकाश होते हैं तुरंत सौरभ गोसाई उसी गाना कीर्तन और राय रमंदो हरि कथा बोलते हैं सौरभ गोसाई प्रभुर अति अंतरंग ताते जानेन प्रभुर ऐसा प्रसंग श्री राधिकार भावमूर्ति प्रभुर अंतर सिराधिकार श्री राधिकार जो भावमूर्ति है यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रु स्वयं भगवान कृष्ण हैं यद्यपि शिव महाप्रभु स्वयं रूप भगवान कृष्ण ही है फिर भी जो बजे बजे जो कारण है जिसके लिए उन्होंने आए हुए इसका बारे में हमने पहले ही बताया था हमने बताया था श्री राधया प्रणय महिमा कीदृश भनैवा स्वद्वजना भूत मधुरिमा हैं कीदृशो वा मदिया मदीय सोक्ष मदनुव मदनुवतः कीदृश वाये लोभाडो समजनी सचिगर्भ सिंधु हरि इंदु ये तीन कारण हैं सौरभ गोसाई से ये सब हम लोगों को पता चला बाकी किसी को पता नहीं है सौरभ गोसाई बोरंगो राधिकार भावमुद्दी श्रीमती राधारानी का अंदर में जो भाव भाव के लहर चलते रहते हैं भाव रूपी भाव भाव रूपी श्रीमती राधारणी हर वकत भावों का लहर चलते रहते हैं हर वक्त राधिका भाव मूर्ति प्रभु रंत प्रभु अभी राधिका का भाव और अंग कांति चोरी करके आए सो नेचुरली यद्यपि कृष्ण है लेकिन चुरा लिया श्रीमती राधानी का अंतरंग भाव भाव और अंग कांति इसलिए प्रभु का अंदर में विशेष करके अंतिम बारह पूरा बारह साल पूरा बारह साल अंतरंग भक्तों स्वरूप गोसाई राय रवान लेकर अंतरंग हर भगत रस अस् करते रहते सो so, स्वाभाविक रूप में गौरंग महाप्रभु का अंदर में श्री भाव भावमूर्ति वही राधारानी का भावमूर्ति है रा गौरंग महापुर का अंदर राधा राधिकार भावमूर्ति प्रभुर अंतरंगो सही भावे सुख दुख उठे निरंग श्रीमती राधारानी का ही भाव है और सुख दुख का हेतु कृष्ण सेवा नहीं मिला कृष्ण मिलित कृष्णों का साथ मिलन मिलन हुई नहीं ए? मिलन राधिकार भावमूर्ति प्रभुर अंतर प्रभु का अंतकरण राधिकार भावमुक्ति विराजमान इसी हिसाब से जैसे राधारणी का सुख दुख का लहर चलती है यही भावे सुख दुख उठे निरंतर ऐसे सुख दुख का लहर चलते थे शेष लीलाए प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद अंतिम लीला में अंतिम लीला में जब प्रभु सब छोड़ दी यहाँ तक कि किसी का बातें करने का इच्छा ही नहीं पैदा शेष लीलाएं, शेष लीलार प्रभु कृष्ण विरह उन्माद शेष लीलाएं प्रभुर कृष्ण विरह उन्मद ब्रह्ममय चेष्टार प्रलाप मय शेष लीला में प्रभु का निरंतर विरह जंत्रणा शेष लीला का अंदर में प्रभु का कृष्ण विरह उन्माद और भ्रमाय चेष्टा क्या कुछ कर रहा है कुछ पता नहीं है अपने को भ्रह्म चेष्टा और प्रहलाप माय बात बातें करते थे ए? किसी का साथ नहीं ऐसे है? अपने आप हाँ। भ्रह चेष्टा और प्रहलाप माय बात।, बात कुछ कारण नहीं है क्या बोल रहे है किसी को पता नहीं है शेष लीलाय प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद ब्रह्ममय चेष्टा और प्रलामय भार और राधिकार भाव जो है उद्धव दर्शन जैसे भ्रम और गीता में हम लोग का अधिकार नहीं है फिर भी नाम कहने से कोई दोष नहीं है राधिकार भाव जो है उद्धव दर्शन है भ्रम गीता में आता है ये चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी महाराज जी को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज जी को जब सं उद्धव जी महाराज जी को वृंदावन धाम में भेजा है उस समय उस समय श्रीमती राधारणी उद्धव को देखकर अनंत भाव का लहर उठते रहे अनंतला भाप का सागर है अनंत सागर श्री राम श्रीमती राधाणी उद्धव को दर्शन करने के बाद क्योंकि उद्धव उपदेश देने आए हैं भगवान श्री कृष्ण का पक्ष से ऑन बिहाफ ऑफ भगवान श्री कृष्ण इन्होंने आए हुए हैं कुछ कॉन्सोलेशन देने के लिए लेकिन उल्टा उल्टा हुए शिक्षा लेके चलाएंगे और श्रीमती राधिकार भाव जो है उद्धव बैठा हुआ है श्रीमती राधारणी पैर का नीचे उद्धव जी बैठा हुआ है लेकिन ना जाने क्या क्या कहते कहते चली क्या क्या कहते चली जो मन में आए भाव का लहर वैसा कहते चली राधिकार भाव जो उद्धव दर्शन है सही भावे मत प्रभु रहे रात्रिदिने श्रीमती राधानी का भाव देख के एब्सॉर्बिंगली उसी में पड़ा हुआ है बाहर का कुछ पता नहीं खाना पीना चलना कौन आया है कौन गया कौन आया किसी पता नहीं भाव जो इसे दर्शन से ही भावे मत तो प्रभु रहे रात्रि दे एंड नाइट हर भगत एक ही भाव है रात का समय में बिलाप करते हा किस्नो हा मत ये कहते हैं रात्रि बिलाप करे स्वरूप कंठ कंठोधोरी स्वरूप गोसाई ललिता सखी हम लोग बताया स्वरूप गोसाई का परिचय है ललिता सखी कृष्ण लीला में तो ललिता सखी राश्रीमती राजधानी का सबसे अंतरंग रात का टाइम पे रात का समय पे स्वरूप का कंठ धारण करके हाउतास उदास हो जाते भगवान श्री कृष्ण का नाम पे स्वयं कृष्ण है स्वयं ही कृष्ण है फिर भी आवे से क्या करते हैं रात रात को रात रात का टाइम में स्वरूप का कंठों पकड़ कर रोते रहते हैं बिलाप करते रहते हैं आवेश आपन भाव करे उघारिया श्रीमती राधानी का भाव लेकर कष्ट से रहा नहीं जाए वो उघार के और बोलना शुरू कर दिया कष्ट का बात दुख भरे नाले सुनाए ये रात्रे प्रलाप करे स्वरूपेर कंठरी स्वरूप का कंठ बकर कर कष्ट बोलता है बिलाप और आवेश आपन भाव कहे उघारी आवेश के द्वारा अपना जो कष्ट है कृष्ण नहीं मिलने का आवेशे आपन भाव कहे उघारी अपना दिल को खोलकर दिल के भाव कहते रहते हैं ये भाव उठे प्रभुर अंतर जिस समय जिस भाव प्रभु का अंदर में प्रकटित होते हैं जिस समय जिस भाव प्रभु का अंदर में प्रकटित होते हैं उसी प्रकार का गीत श्लोक देकर दामोदर स्वरूप और रमन उसको बैलेंस करते हैं जॉबे जे ही भाव उठे प्रभु का कोई ठीक नहीं है कभी मंजरी भाव कभी सखी भाव कोई अदारणी भाव कब कौन भाव आए कोई ठीक नहीं कोई ठीक नहीं है इसीलिए कह कह रहे हैं जब जिस भाव प्रभु का अंदर में आए उसी भाव के अनुसार ललिता सखी अर्थात स्वरूप दामोदर और विशाखा सखी नायणर दोनों मिलकर उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए लगे हुए हैं प्रभु का अभी ये भाव आए संग संग सौरूभ गोसाई संगीत गाना शुरू कर दिया प्रभु का अभी ये भाव आए तुरंत शुरू कर दिया एक गाना ऐसे ही जॉब यही भाव उठे प्रभुर अंतरे जब जो, जो भाव प्रभु का अंदर में प्रकटित होते हैं सही गीत उसी किस्म का मैचिंग गीत और श्लोक के द्वारा दामोदर स्वरूप आनंद देते हैं प्रभु के। प्रभु को आनंद देते हैं प्रभु को सुलझाते हैं जॉब यही भाव उठे प्रभुर अंतर सही ही गीत श्लोके प्रभुर दैन सुख दैन दामोदर स्वरूप दामोदर जिस भाव प्रभु का अंदर में अभी उत्थापित हुई तुरंत इस श्लोकर गीत के द्वारा दामोदर उसको काउंटर बैलेंस करने का कोशिश करते हैं बेकार जो नहीं किचु सब विचारे ये सब विचार हम अंतिम में करेंगे एंड पॉइंट में अब ये सब दरक नहीं फिर प्रसंगो मिला तो थोड़ा टच कर दिया रात्रे पुलाप करे स्वरूप एर कंठ स्वरूप का कंठों पकड़ कर प्रभु विलाप करते हैं कृष्ण विरह में आवेश अपन भाव कहे उघारी अपना अंदर का राधा रानी का भाव उघर के खोदी राधा रानी है राधा रानी का भाव कांति लेकर आई हुई आई हुई है जब जब ये भाव उठे प्रभु अंतर जब जिस किस्म का भाव जब जिस किस्म का भाव प्रभु का अंदर में आए उसी समय सौरभ गोसाई रायंद उसको बैलेंस कर देते हैं जब ये भाव उठे प्रभु अंतर से गीत श्रोके सुख सुख दैनिंद दामोदर ए बेकार जो नहीं किचू ये सब विचारें ये सब चर्चा अभी नहीं होने का दरकार है अभी दूसरा बात बोलेंगे अंतिम में जाके जो नहीं किचु ये सब विचारे ये सब विचार करने का दरकार नहीं अभी आगे चलकर इसका विचार हम करेंगे ये सब नहीं जो नहीं ऐ नहीं एबे माने इस समय नाव ये सब चर्चा करेगा का दरकार नहीं ए बेकार जो नहीं किचु ये सब विचारे आगे यह विव कोरिया विस्तार आगे चलकर इसका मारे विस्तृत व्याख्या हम करेंगे आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखें काल हम लोग फिर सत्संग का सुयोग लेंगे जो भी है और तो एक तत्वमान मिक्षतामकुतूभ जोगिनाम निपुनिर्णतम हरेरना कीतनम वाँचकल्पुर भविष्य पतिता पावन भविष् नमो जय गौ जय गौ वाँ छो